गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर वन ऑफ सिविक्स, इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इट मींस द बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की बिगिनिंग कैसे हुई, कब हुई, ये जानेंगे इस चैप्टर में हम। और क्या क्या इस चैप्टर के कंटेंट हैं उसको समझ लेते हैं। तो इस चैप्टर हम स्टडी करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी इन ग्रीस। तो ग्रीस एक यूनान जिसे कहते हैं, तो ग्रीस में डेमोक्रेसी का जन्म कैसे हुआ, फ्यूडलिज्म इन द मिडिल एज। मिडिल एज में फ्यूडलिज्म यानी कि सामंती व्यवस्था होती थी, फ्यूडल सिस्टम, नेशनलिज्म एंड द बर्थ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। राष्ट्रवाद एंड नेशनलिज्म कैसे बना और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जन्म कैसे हुआ, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में डेमोक्रेसी। द अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट, महिलाओं का आधिकारिक जो आंदोलन था, ठीक है। डी कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन और डी कॉलोनाइजेशन यानी कि विदेशी शक्तियों का पतन कैसे हुआ। तो इस तरह ये यहाँ पर अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जो दे रखा है, तो इनकी बात क्यों आई, क्योंकि इन कंट्रीज ने डेमोक्रेटिक सरकारें सेटअप करने में बहुत स्ट्रगल किया, इसलिए इन रेवोल्यूशन की बात इस चैप्टर में है। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, वार्मिंग अप, यू थिंक यू नो द सिंबल ऑफ जस्टिस। तो आप देखते हैं कि सिंबल ऑफ जस्टिस यहाँ पर दिया है, इट इज़ अ ब्लाइंड फोल्डेड लेडी विद अ बैलेंस इन हर हैंड। ये आँखों में पट्टी बांधे हुई लेडी जिसके हाथ में तराजू है। नाउ यू कैन थिंक ऑफ अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स डेमोक्रेसी। अब आप उस सिंबल को सोच सकते हैं जो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये डेमोक्रेसी वर्ड बार बार क्यों आ रहा है स्टूडेंट्स, इस क्लास के लिए देखिए, फर्स्ट वीडियो मैंने आपको समझा दिया है कि डेमोक्रेसी बेसिक क्या होता है और अदर गवर्नमेंट्स, दूसरी तरह की सरकारों और डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है, ये भी बताया जा चुका है। तो अब डेमोक्रेसी की नेक्स्ट जर्नी पर हम चलते हैं। क्वेश्चन इज द वर्ड इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्रीवियस क्लास में आप डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लर्न कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, इन्होंने डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी डेफिनेशन दी थी। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म होती है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, या सिंपली अदर वर्ड में हम कहें डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, या डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें रूलर्स पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होते हैं, यानी कि पीपल के द्वारा। पब्लिक सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है डेमोक्रेसी में। द एजेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बाय कास्टिंग देयर वोट्स। तो डेमोक्रेसी के सबसे बड़ा एजेंस, सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि किसी भी कंट्री के सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं बाय कास्टिंग देयर वोट, यानी वोट डाल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स क्यों, कौन होते हैं, कोई भी पर्सन, देखिए इलेक्शन होता है अक्सर, इलेक्शन में जो कैंडिडेट जीत कर आ रहा है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, MLA हो, MP हो, चेयरमैन हो, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अलग अलग पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। तो यही रिप्रेजेंटेटिव मिलकर के सरकार बनाते हैं और देश चलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डेमोक्रेसी हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, एक ऐतिहासिक संदर्भ में देखें। लुक एट दिस मैप, द कंट्रीज दैट फॉलो डेमोक्रेसी आर हाईलाइटेड इन ग्रीन। तो ऐसे कंट्रीज जो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं उन्हें ग्रीन से हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए डेमोक्रेसी जिन कंट्री, यहाँ पर ग्रीन रॉन्ग हो सकता है, ये इंडेक्स में देखिए हम देखते हैं डेमोक्रेसी येलो पार्ट में है, एक पार्शियल डेमोक्रेसी। अब पार्शियल डेमोक्रेसी क्यों कहा गया, कंप्लीट डेमोक्रेटिक कंट्रीज वो हैं जो येलो पार्ट में देख रहे हैं, देखिए येलो बॉक्स दिया है। पार्शियल डेमोक्रेसी ऐसे कंट्री जिनमें कम है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कम्प्लीटली नहीं है, ट्रेडिशनल मोनार्की या मोनार्की वर्ड होगा। ऐसे कंट्री देखिए जो ब्रेंजल कलर दिख रहा है आपको, पर्पल कलर, तो यहाँ पर ट्रेडिशनल मोनार्की सरकार है,
मोनार्की हिंदी में कहते हैं राजशाही, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती, इलेक्शन नहीं होता और राजा ही होता है सर्वोच्च। रेड कलर में जो दिख रहा है देखिए, अथॉरिटेरियन टोटलिटेरियन रिजाइम। तो देखिए अथॉरिटेरियन या टोटलिटेरियन क्या है, ये सरकारें एक डिक्टेटरशिप होती हैं, तानाशाही सरकारें कहलाती हैं। अदर गवर्नमेंट दिख रही है ब्लू पार्ट में। तो हम देखते हैं देखिए वर्ल्ड के इस मैप पर येलो पार्ट सबसे ज़्यादा है, देखिए अफ्रीका दो, साउथ अफ्रीका और अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। इधर आते हैं देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रेड एरियाज बहुत ज़्यादा है, येलो भी है। लेकिन रशिया को लेके बाद देखते हैं एशियन कॉन्टिनेंट में भी डेमोक्रेटिक नहीं है, ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेसी है, इंडिया डेमोक्रेसी ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर चाइना पाकिस्तान को भी डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा रहा। देखिए यहाँ इस तरह आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड के कितने कंट्रीज ऐसे हैं। तो मोस्टली वर्ल्ड के कंट्रीज में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं। तो देखते हैं क्लास, एज यू कैन सी, जैसा आप देख सकते हैं मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉलो डेमोक्रेसी, वर्ल्ड के मोस्टली कंट्रीज डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पसंद करते हैं और डेमोक्रेसी वहाँ है। हाउएवर दिस वाज नॉट द केस इन द, जबकि ये केस डिस्टेंट पास्ट यानी कि पास्ट में ऐसा नहीं था। डेमोक्रेसी डेवलप्ड एंड स्प्रेड ग्रेजुअली, डेमोक्रेसी धीरे धीरे डेवलप हुई और धीरे धीरे विस्तृत हुई, पूरे वर्ल्ड में फैली एंड पास्ट थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ओवर द, अलग अलग स्टेज से गुजरती हुई ओवर द ईयर्स। तो ईयर बाई ईयर डेमोक्रेसी की जर्नी बढ़ती गई और वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री में ये डेमोक्रेटिक सरकारें बनती गईं, ठीक है। लेट्स ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो आगे हम क्या देखेंगे, डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट की हिस्ट्री को आगे वीडियो में देखते हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो कंप्लीट होती है, सेकेंड वीडियो का वेट करेंगे आप।